पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के 20वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव और पूर्व सांसद जयंत चौधरी शिरकत करने आज गोरखपुर पहुंचे। पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पानी की बड़ी परियोजनाओं में धन खर्च करने के बजाय आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए छोटी परियोजनाओं में धन लगाएं, जिससे पानी की समस्या का बुंदेलखंड में त्वरित निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड पिछले 3 वर्षों से सूखे की समस्या झेल रहा है। वहां की जनता में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी दशा में केंद्र और राज्य सरकार को सामंजस्य स्थापित कर आम जन के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से भी कुछ परियोजनाओं को शुरू कर पानी की समस्या का निदान किया जा सकता है। यदि सरकार पहल करे तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ से कई प्रधानमंत्री केंद्र की सत्ता में जा चुके हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि शिक्षा, व्यापार, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में ये काफी पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि वह छोटे छोटे राज्यों को बनाने की पहल करने के पक्षधर हैं और इसीलिए वो पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के 20वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित पड़े मुकदमे का शीघ्र निस्तारण के लिए गाजीपुर और गोरखपुर में भी हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना होनी चाहिए, जिससे मुकदमा झेल रहे लोगों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। 2017 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर उन्होंने कहा कि अभी वह इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कह सकते। जब चुनाव नजदीक आएंगे और पार्टियां संपर्क करेंगी तो इस बारे में विचार किया जाएगा। फिलहाल उन्होंने किसी भी पार्टी के संपर्क से इनकार किया। और एक कदम आज लिया जा रहा है, एक जो पार्टी पूर्वांचल बनाओ दल के नाम से पिछले दस वर्षों से काम कर रही थी जमीन पे, सामाजिक आंदोलन के रूप में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। आज उस दल के लोग, राष्ट्रीय लोकदल में सभी लोग शामिल हो रहे हैं और सुधाकर पांडे जी के नेतृत्व में जो उनकी पूरी टीम है अब लोकदल में शामिल होकर इसी मांग को लेकर लड़ाई लड़ेगी। नहीं देखिए, जब चुनाव होते हैं तो मुद्दे तो उठेंगे और ये आउटस्टैंडिंग मुद्दा है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया, तो हर चुनाव में हमें बोलना पड़ेगा। लेकिन इस पे सरकारों को सोचना चाहिए और इतनी बड़ी इकाई जो है उत्तर प्रदेश की अब बन चुकी है, हम लोग इस पे गर्व महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन वही उत्तर प्रदेश हर चीज़ में पिछड़ा, कानून व्यवस्था में पिछड़ा, सामाजिक जो आप कोई भी आंकड़ा ले लेंगे, लिटरेसी लेंगे, आपके विकास दर में आप देखेंगे, ग्रामीण विकास के स्तर को आप देखेंगे, तो हर चीज़ में तो हमारा राज पिछड़ रहा है और हम इस चीज़ को गर्व महसूस करें कि हम इतना बड़ा, हमारा राज है देश में सबसे बड़ा राज है, यहीं से राजनीति बनती है, इसका लाभ क्या मिल रहा है हम लोगों को। तो हम एक अच्छा स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं।